दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की चोरी ने सबको हैरान कर दिया है। अब सोने की चोरी को अंजाम देने वाले शातिर चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसका मुख्य आरोपी लोकेश पुलिस की गिरफ्त में है। जिस तरीके से ये चोरी की गई उससे पता चलता है कि लोकेश कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। खाने पीने से लेकर सोने तक सारे काम करना, फिर इतनी सफाई से 25 करोड़ की चोरी करना और फरार होना, ये सब एक मास्टरमाइंड ही कर सकता है। पूछताछ में उसने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग का तरीका बताया उससे पुलिस भी दंग रह गई। खबरों के मुताबिक उसने बताया कि वो हर बार चोरी में नए लोगों को शामिल करता था। पूछताछ के बाद कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में पुलिस चूक गई है। जैसे कि उसके निशाने पर दिल्ली का मोगल बाजार ही कैसे आया, बिलासपुर से उसने दिल्ली जाने का क्यों सोचा, इस चोरी में उसकी मदद किसने की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकेश ने किससे कहा था कि बड़ा काम करने दिल्ली जा रहे हैं। बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला लोकेश श्रीवास कभी बिलासपुर में सैलून चलाता था। खबरों के मुताबिक लोगों के बाल वो काटता था, हमेशा मुस्कुराकर लोगों से मिलता था। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि नाई का काम करने वाले लोकेश के दिमाग में इतनी शातिर प्लानिंग भी चल सकती है। सैलून चलाते हुए लोकेश के दिमाग में बड़ी ज्वेलरी की दुकानों में चोरी करने का ख्याल आ गया। लोकेश ने सिर्फ ज्वेलरी शोरूम को अपना शिकार बनाने का फैसला किया। उसके इस नए काम के बारे में किसी को तब तक भनक नहीं लगी जब तक वो पकड़ा नहीं गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके खिलाफ चोरी के 14 मामले दर्ज हैं। इनमें से 7 सिर्फ बिलासपुर में दर्ज हैं। लोकेश जब बिलासपुर पुलिस से भागते भागते दिल्ली आया तो वो एक दिन भोगल बाजार गया था। वहां इसने जितनी भी ज्वेलरी शोरूम में है सबकी रेकी की और फिर सबसे बड़े शोरूम को चुना। उसने देखा कि शोरूम में छत के रास्ते अंदर कैसे घुसा जा सकता है। इसके बाद इसने सेंधमारी से जुड़े तमाम औजार जुटाए और फिर पता किया कि किस दिन ये बाजार बंद होता है। जब उसे पता लगा कि ये बाजार सोमवार को बंद होता है तो उसने चोरी करने का प्लान रविवार को ही बना लिया था। प्लान के मुताबिक लोकेश श्रीवास बगल की बिल्डिंग से रविवार की रात तकरीबन 11 बजे शोरूम में घुसा। सोमवार की शाम करीब 7 बजे जिस रास्ते वो गया था उसी रास्ते वो वापस लौट गया। यही नहीं, लोकेश अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर चलता था। उसने अंदर खाया पिया और लॉकर की दीवार तोड़कर जब थक गया तो अंदर ही कुछ देर सो भी गया। फिलहाल पुलिस उस शख्स की तलाश में है जिसने लोकेश की चोरी करने में मदद करी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में DCP साउथ ईस्ट राजेश देव ने बताया कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसी बीच 28 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली कि दुर्ग पुलिस को चोरी के मामले में इंटरोगेशन के दौरान किसी ने बताया कि लोकेश अपने साथी से कह रहा था कि दिल्ली बड़ा काम करने जा रहा। आइए आपको भी सुनाते हैं कि DCP साउथ ईस्ट राजेश देव ने और क्या क्या बताया। लोकेश हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यहाँ 2-3 बार आया है, उसने रेकी किया है, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, पर वो रेकी करके गया है। ये प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो ये ज्वेलरी की ही चोरी करता है और इसमें इसको ये थोड़ी एक्सपर्टीज है इसकी। तो उमराव सिंह ज्वेलर जो था इस इलाके का सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप था, तो नेचुरली उसने सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप टारगेट किया, उसको यहाँ बड़ा माल हाथ लगने का उम्मीद था और लगा भी हाथ उसको बड़ा, तो शायद इसलिए टारगेट किया। बाकी एक बार हम रिमांड पे लेंगे तो उसको क्वेश्चन करेंगे। साथ ही इनका कहना था कि हमारे पास भी लोकेश से जुड़ी कुछ जानकारी थी, उसके आधार पर मिलान किया गया तो पता चला कि ये चोरी को अंजाम देने वाला शातिर कोई और नहीं बल्कि लोकेश ही है। इसके बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और ट्रैवल मोड की जानकारी जुटाई गई। इस दौरान उसकी लोकेशन भिलाई में मिली। इस पर रेड मारी गई जिसमें बिलासपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।